आइए आज हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं। विंटर सीजन है, इस सीजन में गाजर का हलवा बहुत ही फायदेमंद होता है। और देखिए यहाँ पर मैंने गाजर का हलवा बनाने की सारी सामग्री रखी हुई है। ये 1 किलो गाजर है, उसे अच्छी तरह से धो करके कटिंग करके मैंने इसे ग्रेटेड कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से हो गया है। इसमें मैंने 1 किलो दूध रखा है, वहाँ पर गर्म करके उबाल करके दूध को, 200 ग्राम के करीब चीनी है और शुद्ध घी है, केसर के 4-5-6 दाने ये केसर है, वहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में काजू है जिसे कटिंग करके रख लिए, काजू है, बादाम है, पिस्ता है और हरी इलायची है। अब चलिए हम आगे की विधि तैयार शुरू करते हैं, गाजर का हलवा बनाने की विधि। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें शुद्ध देसी घी डालेंगे। उसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भून कर निकाल लेंगे। काजू, पिस्ता, बादाम तीनों को हल्का हल्का भून कर निकाल लेंगे, ज़्यादा डीप रेड नहीं करेंगे, इससे कि उसका इतना ही भूजेंगे जिससे कि उनमें कच्चापन नहीं रहे। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स काफ़ी टेस्टी होते हैं और अच्छे फ्लेवर लाते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए घी में गाजर को डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से 5 मिनट भूनेंगे। 5 मिनट अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। इन्हें आप ढक सकते हैं, बीच में ढक कर छोड़ दीजिए, 2-4 मिनट ढक देने से अच्छी तरह गल जाते हैं। पूरी तरह से पकाना नहीं है अभी, इसे थोड़ा सा ढक ढक कर भूनना है, उसके बाद सारा दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद ये अच्छी तरह से पकेंगे। हमने 1 लीटर दूध को अच्छी तरह से गर्म करके उसे मतलब कि जला लिया है। 700-800 ग्राम के करीब दूध बचा है, सारा दूध इसमें डाल देंगे और एकदम धीमी आंच पर इसे 40-50 मिनट तक पकाते रहेंगे। धीमी आंच पर बनी हुई गाजर के हलवे बहुत ही टेस्टी होते हैं। फुल क्रीम दूध हम लेंगे हलवे के लिए। देखिए मैंने दूध डाल दिया है, बचे हुए दूध भी डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे और एकदम धीमी आंच रखेंगे, ढक देंगे, चलाते रहेंगे लगातार। दूध देने के बाद हम केसर के, आप देख सकते हैं केसर के 4-5 दाने दे दिए, बहुत ही अच्छे फ्लेवर और खुशबू आती है केसर देने से।
धीमी आंच पर इसे पकने देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, इसे एकदम धीमी आंच पर पकने देना है। फुल हीट कर देने से यदि आप इसे सोचेंगे कि जल्दी से दूध मेरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, फुल आंच कर दें, तो उससे जो है अच्छे स्वाद नहीं आएंगे। गाजर का हलवा बहुत समय लेता है, इसे एकदम अच्छी तरह से देखिए, आधा से ज़्यादा दूध हमारे पक चुके हैं गाजर में। अब हम भुने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को इनमें डाल देंगे। इलायची है, इलायची के छिलके को छिलकर हमने बीज को निकाल करके उसे डाल दिया है। पूरी तरह से पकने के पहले ही अगर हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं तो वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाएंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। देखिए दूध में किस तरह हमारे गाजर का हलवा पक रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह वो पक रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे इसे पकने देना है। अब देखिए कितनी अच्छी तरह ये दूध और गाजर मिल रहे हैं। चीनी हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद वो अच्छा नहीं होगा। चीनी हम जब सारा दूध मतलब अच्छी तरह से गाजर में एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छी तरह से मिल जाए, तो हम लास्ट में चीनी डालेंगे। अभी हम इसे चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहना है, जिससे कि आप देखिए हम इसमें एक चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। शुद्ध घी डालने से ये और एक दूसरे से दूध और गाजर देखिए किस तरह बाइंड हो चुके हैं, बंध चुके हैं, कितनी अच्छी तरह से ये मिल रहे हैं। देखिए आप देखिए धीरे धीरे किस तरह का कलर आ रहा है। अब हम इनमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा भी दे सकते हैं, मैंने कम चीनी ही डाला है क्योंकि ज़्यादा चीनी डालने से बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि लाल गाजर वैसे भी मीठा होता है, दूध भी हमने फुल क्रीम लिया हुआ है, इसलिए चीनी आप अपनी इच्छा अनुसार जिस तरह का आपको टेस्ट चाहिए डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद थोड़ा गाजर का हलवा पतला हो गया क्योंकि चीनी डालने के बाद पानी छोड़ता है। अभी हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो ये कढ़ाई में सट सकते हैं। आप इनमें एक चम्मच शुद्ध घी और डाल सकते हैं। देखिए हमारे गाजर का हलवा पूरी तरह से तैयार हो गया है, एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे, सर्विसिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसमें भुने हुए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करेंगे। विंटर सीजन के लिए गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी तो होता ही है, साथ ही ये हमारे हेल्थ के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा होता है। देखिए